नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हमारे साथ तनवीर हैं और हम हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके सामने अखबारों की सुर्खियां लेकर के हाजिर हैं। तो सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन है आज, और देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी को बधाइयां देने का तांता जो है वो लगा हुआ है। इधर बिहार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और अन्य जो नेता हैं बिहार के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। और बिहार के बीजेपी कार्यालय की बात करें तो आज पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे खबर तनवीर बताइए कि क्या है आगे। कल पिछले रात जो है अशोक राजपथ पर स्थित है पटना यूनिवर्सिटी, वहां पर काफ़ी बवेला मचा था। करीब 9 बजे की ये घटना है और देर रात स्थानीय लोग, लालबाग के स्थानीय लोग और कॉलेज के जो छात्र हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके बीच भारी झड़प हो गई है, जिसके बाद से एक शौकत नाम के आदमी की मौत भी हो जाती है। कहा जाता है कि पत्थरबाजी के बाद से शौकत को पत्थर लगता है, जिसके बाद से उसका उसकी मौत हो जाती है। बहरहाल आप देखेंगे तो ऐसी घटनाएं जो है लगातार होती है। कॉलेज प्रशासन के जो कॉलेज के जो छात्र हैं वो हमेशा ही सड़क पर आकर के स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करते हैं, और स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका बार बार ये आरोप रहता है कि ऐसे छात्र को हॉस्टल में जगह दी जाती है, पुलिस उन्हें पकड़ करके ले जाती है, मगर जब छोड़ देती है तो वो बदला लेने की भावना से फिर वापस आते हैं। और ऐसा वाकया लगातार आप देखते होंगे कि पटना के हॉस्टल्स और आम लोगों के बीच होना लाजमी है, यानी कि हर दिन होता रहता है, कुछ एक न कुछ चीज़ें नहीं आती रहती है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अभी तक अपडेट ये है सुबह तक का कि मिंटो हॉस्टल के छात्रों और लालबाग के लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई थी। उसके बाद तनवीर आज भी अशोक राजपथ पर साइंस कॉलेज से लेकर के और पटना यूनिवर्सिटी के गेट तक भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। लाठी पार्टी के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आरएएफ की भी 2-3 गाड़ियां हमें देखने को मिली जब हम उधर से आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं तनाव अभी बरकरार है, पुलिस को डर है कि कहीं फिर से वैसी स्थिति ना बन जाए। आगे बढ़ते हैं हम। पटना के आसपास के इलाकों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी का वाटर लेवल बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम घाटों की बात करें तनवीर, जिससे पता चलता है कि पटना में आखिर वाटर लेवल कितना बढ़ा है, तो NIT घाट अगर हो गया, काली घाट हो गया, महेंद्रू घाट हो गया, इन सब के ऊपर तक पानी आ चुका है। जो वहां पर टहलने के लिए जो बनाया गया है पथ, उस पर पानी चढ़ चुका है और लोगों के लिए साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी गई है कि वो घाट पर ना जाए। इसके साथ ही साथ NDRF के जो जवान हैं वो बोट से लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि घाट पर कोई अंदर तक ना घुसाए। इसके साथ ही साथ NIT घाट पर जो गंगा आरती होती थी हर शनिवार और रविवार, वो अभी तक बंद है, क्योंकि पिछले दिनों जब जलस्तर बढ़ा था तो ये कह दिया गया था कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के गंगा आरती जो है वो अगले आदेश तक स्थगित कर दी जाएगी। तो वाटर लेवल उसके बाद बढ़ा है, घटा नहीं है, जिसकी वजह से जो आरती का काम है वो बंद है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें हाजीपुर के निचले इलाकों की, तो गंगा नदी उधर भी टच करती है और बीच में जो दियर इलाका है उधर भी पानी ऊपर तक चढ़ चुका है। तो लगातार NDRF के जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वाटर लेवल गंगा का बढ़ता जा रहा है। कल बारिश भी बहुत तेज़ हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और भी वाटर लेवल बढ़ने की बात सामने आ रही है। तनवीर, 5 प्लेटफॉर्म पर बनेगा मेमू टर्मिनल। पटना जंक्शन जल्द ही 15 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन जाएगा। 5 प्लेटफॉर्म वाली मेमू टर्मिनल बनने के बाद या ECR का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। हार्डिंग पार्क की भूमि मिलने के बाद से अब रेलवे को पोस्टर व BSNL की भूमि मिल जाएगी। इस जमीन पर 5 रेलवे इस जमीन पर रेलवे 5 प्लेटफॉर्म वाला मेमू टर्मिनल बनाएगा, यानी कि पटना को 5 नए ट्रैक मिलने वाले और 5 जो मेमू टर्मिनल बनेंगे और ट्रेनें भी जो हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि भारी जनसंख्या जो है बिहार में आ रही है। बिहार के अन्य जिलों से पटना में जो लोग हैं वो आ रहे हैं बसने के लिए भी, तो यही कारण है कि ट्रैक्स को बढ़ाना होगा और ट्रेन की जो संख्या है उसको भी बढ़ानी होगी। बड़ी खबर है और खुशखबरी की भी खबर है कि 10 से अब 15 हो जाएगा पटना स्टेशन। बिल्कुल, तो ये जो मेमो ट्रेन होती है तनवीर, मेमो ट्रेन बेसिकली पैसेंजर ट्रेन होती है जिससे कम दूरी का सफर तय किया जाता है। तो मेमो ट्रेन के अगर 5 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, टर्मिनल बन रहा है, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है जो डेली अप डाउन करते हैं पटना, बक्सर, मुगलसराय या फिर इधर हम लोग फतुहा, राजगीर की बात कर लें,
तो उन लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छी खबर है। 5 ट्रैक जो मिलने की आप बात कर रहे हैं, दरअसल 5 प्लेटफॉर्म होंगे जिस पर ट्रेनें लगेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब अलग से टर्मिनल बनेगा तो वहाँ पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी और लोगों को काफ़ी फायदा होगा। जी जल शक्ति अभियान में गया अव्वल पर। देश भर में 256 जिले में मिली है पहली रैंकिंग। केंद्र ने 3 बिंदियों पर किया था योजना का आकलन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल शक्ति अभियान में राज्य के गया जिले को देश का पहला स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने इस अभियान के तहत काम करने वाले जिलों की रैंकिंग में इसमें से 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों में गया को सर्वाधिक 81.6 अंक प्राप्त हुआ है। यानी जल को बचाने का जो अभियान था उसमें गया जो है नंबर 1 पर आया है, और 256 जिलों में ये रैंकिंग है कि गया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो तन्वीर, आगे बढ़ते हैं तो अगर बात कर ले हम पटना में तालाबों की, तो 31 दिसंबर तक सभी तालाबों को मुक्त कराया जाएगा, अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। आपको बता दें कि जो तालाब हैं उनके रिनोवेशन का काम भी लगातार पटना में चल रहा है। अदालतगंज तालाब की अगर बात कर लें तो पहले वो कैसा दिखता था, और अभी जब उसका नया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उस पर काम हो रहा है तो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही साथ जितने भी तालाब हैं पटना और बिहार में, उनको 31 दिसंबर तक मुक्त करा लिया जाएगा। जिस पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, किसी तरह की वहाँ पर बात है, तो उसको हटाया जाएगा, और हटा करके उन तालाबों को फिर से रिनोवेट करने की बात सामने आ रही है। मुख्य सचिव ने इसको निर्देश दिया है इसको लेकर के, और 31 दिसंबर तक सभी तालाबों से अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। अब आपको लेकर के चलते हैं बिहार की सियासत की ओर, जहां बिहार में एनआरसी को लेकर के मुद्दा गर्म है। बीजेपी और जदयू के बीच तनातनी का माहौल है। बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह एनआरसी को लेकर के कहते हैं कि ये देश हित का मुद्दा है और इस पर किसी को रोक टोक करना, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। तो वही वशिष्ठ नारायण सिंह जो जदयू के कद्दावर नेता है, वो साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है, हम धारा 370, ट्रिपल तलाक और एनआरसी जैसे मुद्दों का साथ नहीं देते हैं। वही लालू प्रसाद यादव की आप बात करें तो देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल की सज़ा उनको मिली थी, जिसको अब सीबीआई कोर्ट चाहती है कि 5 साल तक उस सज़ा को बढ़ा दिया जाए। तो लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती बिल्कुल जा रही है। तनवीर, हम बता दें यहाँ पर अपने दर्शकों को कि लालू प्रसाद यादव जो अभी बेल पर हैं, उनको जो जमानत मिली है देवघर कोषागार मामले में ही मिली है, जिसमें 3.5 साल की उनको सज़ा हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसको हाफ कस्टडी कहा जाता है, कि अगर आपका आचरण सही होगा और आपका व्यवहार सही होगा तो आपको आपकी आधी सज़ा पूरी होने के बाद बेल मिल सकती है। लेकिन 2 मामले और हैं, डोरंडा है और दुमका है, 2 और मामलों में उनको सज़ा हुई है। अब जो है कि सीबीआई जो चाह रही है कि जो 3.5 साल की सज़ा लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों की हुई थी उसको बढ़ा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अगर वो सज़ा बढ़ जाती है तो उनके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी तनवीर, अब वही बात करें आप महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता है, वो कल अपने पैतृक घर सिवान गोपालगंज में मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने अपनी दादी मरक्षा देवी के मूर्ति पर फूल अर्पण किए, और उसके बाद से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिहार में चल रही उठापटक पर खूब सारा जवाब दिया। नीतीश कुमार को साफ उन्होंने बताया कि इनके हाथ से अब बिहार संभल नहीं रहा है, इन्हें अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए। क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और क्राइम करने वाले लोगों का संरक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये आरोप लगाया। और वही जो लगातार जो अभियान चल रहा था न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस को पहले आचार अपना जो है वो सुधारना होगा और जागरूक करना होगा आम जनता को, नहीं तो ऐसे पुलिसिया डंडा चलेगा, ऐसे पुलिसिया कार्रवाई होगी तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप आम जनता को पहले सजग कीजिए, उसके बाद से कार्रवाई कीजिए। तो अच्छा, और साथ में उन्होंने कहा ये भी कि डीजीपी भी कानून का पालन नहीं करते हैं। बिल्कुल अच्छा, ये तनवीर। तो तनवीर, अगली खबर अगर हम बात करें तो भारत नेपाल सीमा, जो कि बिहार के लिए बहुत अहम है क्योंकि बिहार नेपाल से टच करता है और नेपाल बिहार के बीच में लगातार बॉर्डर पर तनातनी की स्थिति कभी कभी बन जाती है। जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि आतंकवादी जो है, जो आईएसआई है, पाकिस्तान का जो आईएसआई है, वो अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है, तो एक बार फिर से एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और कहा गया है कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश हो रही है, तो बिहार जो है उसमें बीच में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बिहार में जो नेपाल बॉर्डर का इलाका है उस पर
सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उस पर तगड़ी निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि जो धारा 370 तनवीर लागू हुआ कश्मीर में, उसके बाद से कश्मीर से जो घुसपैठ हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती दिखाई दी। तो अब जो उधर कड़ाई हुई है, तो नेपाल एक सॉफ्ट टारगेट है, नेपाल के रास्ते बिहार में घुसिए और बिहार से आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, तो कहीं ना कहीं उस इलाके पर सक्रियता बढ़ गई है। जी, अब आगे आपको बताते हैं काम की खबरें, छात्रों के लिए हैं, युवाओं के लिए ये तमाम काम की खबरें क्या हैं। तो मगध महिला के हॉस्टल का शिलान्यास 18 को होगा। मगध महिला कॉलेज में 639 बेड बालिका छात्रावास का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार करेंगे। बालिका छात्रावास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, इससे कॉलेज की छात्राओं को बाहर हॉस्टल की लेने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एमएड परीक्षा शुरू हो गई है। 2017-2019 की परीक्षा विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह परिसर स्थित एमबीए विभाग में शुरू हुई है। इधर अपरिहार्य कारणों से 17 सितंबर को आयोजित परीक्षा स्थगित कर दी गई, यह परीक्षा 20 सितंबर को ली जाएगी। तो आपको तनवीर ने बताई काम की खबर, अब हम एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। अच्छी खबर ये है कि पटना की सड़कों पर पटना के कमिश्नर आनंद किशोर उतर गए हैं। पहले चेकिंग के लिए उतरे थे, लेकिन अब वो खुद जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इस दौरान वो हेलमेट भी बांट रहे हैं। जो तनवीर बाइक सवार पकड़े जा रहे हैं बिना हेलमेट के, उनको आनंद किशोर हेलमेट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसके बाद जो खास करके बिहार में लगातार तनातनी की स्थिति बनी रही, पब्लिक और पुलिस के बीच भिड़ंत होती रही, पटना के एग्जीबिशन रोड पर भी बवाल हुआ था, ज़बरदस्त बवाल हुआ था, और इसके साथ ही साथ जितनी भी घटनाएं सामने आई बिहार में कई जगहों पर, पुलिस जब खुद कानून तोड़ती थी तो पब्लिक आक्रोशित हो जाती थी। तो अब आनंद किशोर ने पहल की है और वो हेलमेट बांट रहे हैं। इससे पहले मोतिहारी में भी एक सब इंस्पेक्टर इस तरह की पहल करते दिखाई दिए थे, वो फाइन के पैसे से हेलमेट और इंश्योरेंस करा रहे थे। तो आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट दे रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।